स्वागत है आप सभी का जीएस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 20 जनवरी 2022 और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 20 जनवरी के, और साथ में उनका एनालिसिस भी करेंगे। तो देख लेते हैं अपना पहला करंट अफेयर। हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हर वर्ष की तरह इस बार भी 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है। एनडीआरएफ की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो एनडीआरएफ को आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। एनडीआरएफ हर संकट और आपदा की स्थिति में अपना पूरा योगदान देती है। कहीं भी बाढ़, भूकंप या कोई अन्य आपदा आती है तो एनडीआरएफ को सरकार के द्वारा भेजा जाता है वहाँ पे मदद करने के लिए। अन्य देशों में आपदा के समय एनडीआरएफ सहायता भी प्रदान करती है, और साथ में ही भारत और विभिन्न देशों के सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। तो दोनों काम करती है, सहायता प्रदान करती है एनडीआरएफ, और साथ में सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है हमारे देश की एनडीआरएफ, जो अन्य जगह पर प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। हमारा अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में डेनिस अली पोप को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो डेनिस ओली पोप को रूस की ओर से भारत में अपना राजदूत बनाया गया है। डेनिस ओली पोप ने किसकी जगह ली है? तो डेनिस ओली पोप ने निकोले कुशदेव की जगह ली है। इससे पहले निकोले कुशदेव यहाँ के राजदूत थे रूस की ओर से, अब डेनिस ओली पोप हैं। डेनिस ओलीपोव के पास भारत से संबंधित दशकों पुराना अनुभव होने के साथ उन्हें समर्पित भारत विशेषज्ञ भी माना जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में भारत की पहले खिलाड़ी हैं उन्मुख चंद। राइट आंसर हो जाएगा, उन्मुख चंद ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जो बिग बैश लीग यानी बीबीएल में भाग लेने वाले बन गए हैं। बीबीएल आईपीएल की तर्ज पर ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी प्रसिद्ध T20 क्रिकेट लीग है। बात कर लें तो 18 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया की T20 बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं उन्मुख चंद। उन्मुख चंद की कप्तानी में ही भारत ने 2012 में अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। उन्मुख चंद किस टीम से खेल रहे हैं बिग बैश लीग में? तो मेलबोर्न रेनेगेड्स की तरफ से उन्मुख चंद खेल रहे हैं। इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई T20 कप जिताने वाले कप्तान एरोन फिंच। आप सभी को पता होगा कि 2021 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था एरोन फिंच की कप्तानी में। और बात करते हैं उन्मुख चंद की, तो उन्मुख चंद ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्मुख चंद इससे पहले आईपीएल की तीन फ्रेंचाइजी टीमों की तरफ से भी खेल चुके हैं, जिनमें से दिल्ली डेयर डेविल्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स। हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चाक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून प्रस्ताव दिया है? तो अभी अमेरिका ने यह प्रस्ताव दिया है चाक होल्ड को समाप्त करने के लिए। बात करते हैं चाक होल्ड की, तो इस विधेयक का उद्देश्य है दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति व्यवधानों के खतरे से अमेरिका की रक्षा करना, इन तत्वों को घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा चीन पर इसकी निर्भरता को कम करना। कानून के तहत वर्ष 2025 तक दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के रणनीतिक रिजर्व की निर्माण की आवश्यकता होगी। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी यानी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड्स में 64% की खरीदारी की है। आप सभी को मालूम होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं मुकेश अंबानी, जिनकी कंपनी ने एक ताज़ा डील में रोबोटिक्स स्टार्टअप एडवर्ब टेक्नोलॉजीज में 64% हिस्सेदारी की खरीद की है। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप 64% कर लीजिए, 64% की खरीदारी की है। यह सौदा रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने के जरिए किया गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, रिलायंस रिटेल ने यह डील $132 मिलियन यानी 985 करोड़ में की है।
हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं रॉबर्ट लेवोंडोस्की, पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर हैं रॉबर्ट पोलैंडोस्की, जिन्हें दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड मिला है। रॉबर्ट लेवोंडोस्की जर्मनी की टीम है बायर्न म्यूनिख की ओर से खेलते हैं, जिन्होंने अभी लियोनेल मेसी को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी हाल ही में लियोनेल मेसी ने 7वां बैलन डी ओर जीता था, तो उनको भी पीछे छोड़ के यह खिताब रॉबर्ट लेवोंडोस्की ने जीता है। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर हैं मोहम्मद सालेह भी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनने की रेस में थे, लेकिन रॉबर्ट लेवोंडोस्की को फीफा की ओर से सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है, लगातार दूसरी बार बने हैं। अगले करंट अफेयर को देखते हैं, तो हाल ही में एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक यानी CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एयर इंडिया लिमिटेड का CMD विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया है। विक्रम देव दत्त 1993 कैडर के IAS हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो उनको अभी हाल ही में एयर इंडिया का CMD नियुक्त किया गया है। एक जानकारी और आपको दे देते हैं कि एयर इंडिया का अभी निजीकरण किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और उसे टाटा ग्रुप के हाथों में दिया गया है, तो यह जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एयर इंडिया अब निजीकरण हो गया है और इसको टाटा ग्रुप के हाथों में दिया गया है। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो काफ़ी मशहूर कार्टूनिस्ट थे नारायण देवनाथ, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है 97 वर्ष की उम्र में। इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात कर लेते हैं नारायण देवनाथ के बारे में, तो नारायण देवनाथ ने कई बंगाली हास्य पात्रों का निर्माण किया था। कार्टूनिस्ट देवनाथ बंगाली कॉमिक किरदार बंतुल द ग्रेट, हांडा भोंदा और नोते फोतो के रचयिता थे। तो इन तीनों के रचयिता थे हमारे नारायण देवनाथ, जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है। अगला करंट अफेयर है कि 2022 के गणतंत्र दिवस परेड समारोह में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे? तो आपको यहाँ चार नाम दिख रहे हैं, जो बिडेन, बोरिस जॉनसन, इमरान खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि 2022 के गणतंत्र दिवस परेड समारोह में इस बार किसी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं किया गया है। यह इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार किसी को मुख्य अतिथि नहीं शामिल किया गया है। COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच लगातार दूसरी बार ऐसा मौका है जब किसी देश का कोई मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस परेड में नहीं शामिल होगा। 2021 में बोरिस जॉनसन को यह निमंत्रण दिया गया था और उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया था, किंतु उस समय भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर इसको कैंसिल कर दिया गया। 27 जनवरी को होने वाली भारत मध्य एशिया की पहली शिखर बैठक की मेजबानी भारत के कौन से राजनेता करेंगे? तो 27 जनवरी को भारत और मध्य एशिया के बीच पहली शिखर बैठक होने वाली है, जिसकी मेजबानी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भाग लेंगे। तो इन 5 देशों के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री इस बैठक में भाग लेंगे, यह बयान जारी किया गया है भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा। इसके पहले 10 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर आयोजित क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवों ने भागीदारी की थी।
अब यह दूसरी बैठक हो रही है, तो यह बैठक 6 देशों को मिलाकर हो रही है। यह जो इससे पहले जो बैठक हुई थी 10 नवंबर 2021 को, तो इसमें अफगानिस्तान पर एक सामान्य क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर चर्चा हुई थी। हमारा अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष ने जेनेसिस प्राइस 2022 जीता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, काफ़ी नामी कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, एस्ट्रोजेनेका और फाइजर। तो यह अवार्ड जो मिला है अभी, तो यह फाइजर कंपनी को मिला है जेनेसिस प्राइस 2022। बात करते हैं जेनेसिस प्राइस 2022 के बारे में। तो जेनेसिस प्राइस होता क्या है? तो जेनेसिस प्राइस को लॉन्च किया गया था 2013 में, जिसका उद्देश्य था यहूदी पहचान को बढ़ावा देना, यहूदी गौरव को प्रेरित करना तथा इजराइल एवं डायस्पोरा के संबंध को मजबूत करना। कुछ बात कर लेते हैं फाइजर के बारे में। तो फाइजर अमेरिका की पहली वैक्सीन थी जो अमेरिका में लगनी शुरू हुई थी फाइजर कंपनी की। भारत की पहली वैक्सीन थी, भारत बायोटेक की वैक्सीन थी कोवैक्सीन, और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन थी कोविशील्ड। तो भारत की 2 वैक्सीन थी, और जो यह अभी अवार्ड जीता है, तो यह अवार्ड जीता है जेनेसिस प्राइज 2022 का अवार्ड मिला है फाइजर कंपनी को। फाइजर एक महत्वपूर्ण कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी। इसके जो मुख्य कार्यकारी हैं वह हैं अल्बर्ट बोरला। तो आज के करंट अफेयर की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल GS कैरियर एकेडमी पे फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आप वहाँ से। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।